नमस्कार, मैं जयलक्ष्मी नारायण बोकारो डी फोकस चैनल में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल हम लोगों ने दिखाया था कि बोकारो के जो सबसे पॉश कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको आप बोकारो स्टील एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड कहते हैं, जहां कल चुनाव हुआ था उपाध्यक्ष का, बीपी गुप्ता, बैजनाथ गुप्ता जी उपाध्यक्ष बने हैं। आइए इनसे हम लोग जानते हैं कि जो नई सोसाइटी के ये उपाध्यक्ष बने हैं तो किस प्रकार से सोसाइटी को चलाएंगे और नई कमेटी से बनने से कितना फ़ायदा होगा यहाँ के कमेटी के लोगों को। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में, डी फोकस में। थैंक यू, धन्यवाद। कितना रोमांचकारी रहा कल का चुनाव, आप लोग चुनाव जीत कर आए हैं, और क्या आगे आपकी जो नई टीम बनी है उसको लेकर क्या आपका सोच है कि कैसे ये सोसाइटी को चलाना है? अभी जो चुनाव हुआ वो बहुत ही आकर्षक और बहुत ही उत्साहवर्षक ये था, क्योंकि उपाध्यक्ष का और डायरेक्टर्स का चुनाव द्वारा आते हैं हम लोग आए, और बहुत ही शांतिपूर्ण से ये हुआ। करीब 4 बजे तक ये चला, 4 बजे के बाद में काउंटिंग हुआ। काउंटिंग में वाइस चेयरमैन का एक पोस्ट है जो कि हम जीते और ओवरवेलिंग मेजॉरिटी से जीते, और 4 थे तो 3 हार गए। और डायरेक्टर्स में 6 लेना था, 4 महिलाओं को और 2 पुरुष का, वो लोग जीते। तो इसलिए हम बहुत ही शांतिपूर्ण और अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। सर, ये पहले भी कुछ कुछ विवादों में रहता है यहाँ पर सोसाइटी के लोगों के द्वारा, लीजिंग को देने को लेकर विवाद कुछ दिन पहले भी आया था। तो अभी आपकी नई टीम बनी है, तो आप किस प्रकार से ये सोसाइटी को चलाने का प्रयास करेंगे, और जो अनियमितता की बात आती है उसको कैसे दूर करें? ऐसा है कि अनियमितता तो खैर नहीं होता है, लेकिन लोग जो हैं अफवाह करके इसको उठा करके चाहते हैं कि वर्तमान कमेटी किसी तरह से हट जाए और दूसरे लोग आ जाएं। लेकिन एज ए होल पूरे सोसाइटी के टीम वर्क होता है, सब लोग बहुत शांतिपूर्ण से काम करते हैं। तो अभी जो हाल में ये सोसाइटी 5 साल पूरा नहीं कर सकी जो हुए है, उसका कारण ये था कि हमारे 3 डायरेक्टर जो थे वो विड्रॉ कर लिए, माने रिजाइन कर दिए, और रिजाइन करने की वजह से हमारा जो है अल्पमत में आ गया और हम लोग उसको सुपरसीड कर दिया गया। तो सर, अभी जैसा कि आपने हमें बताया अभी कुछ देर पहले कि आप इससे पहले ट्रेजरर रहे थे यहाँ पर, तो ट्रेजरर रह के क्या नहीं कर पाए जो अब आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, तो आपके मन में क्या क्या सोच रह गई कोऑपरेटिव को सजाने की और बनाने को लेकर? ऐसा है, ट्रेजरर का व्यक्तिगत रूप से कोई विशेष रोल नहीं होता है, टीम वर्क का होता है, जिसमें कि ये सचिव होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके ट्रेजरर भी एक मेंबर होता है। तो हम लोग टीम वर्क से चलते हैं, तो और जब टीम वर्क से चलते हैं तो उसको हमारे सेक्रेटरी पर झूठा आरोप दे करके केस किया गया कि आप जो है किसी को गलत तरीके से NOC इशू किए हैं, ट्रांसफ़र नहीं किए हैं, जबकि ट्रांसफ़र का होना चाहिए था, ट्रांसफ़र हम लोगों ने नहीं किया था, NOC इशू किए थे, वो भी BSL एम्प्लाई को। तो सिर्फ कंटेस्ट ये कर रहे हैं कि BSL एम्प्लाई मीन्स ऑन रोल ओनली, लेकिन हम लोग का इंटरप्रिटेशन था कि BSL एम्प्लाई मतलब एक्स एम्प्लाई आल्सो, क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट भी अब सब एक्स एम्प्लाई को क्वार्टर दे रही, तो हम लोग इसी किए थे। तो इसको हम लोग जवाब भी दे दिया पूरी डिटेल। विवादों में नहीं जाएंगे, हम लोग जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है कोऑपरेटिव की सोसाइटी के विकास को लेकर, जो नहीं कर पाए थे या जो होना चाहिए था वो आपके आपके विचार में नया। हम लोगों ने रोड बनाने का सबसे बड़ा जिम्मा लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ का सोसाइटी का रोड इतना ख़राब हो चुका था कि आदमी को चलना, गाड़ी तो छोड़ दीजिए, आदमी को भी चलना दुष्कर हो गया था। हम लोगों ने वार फुटिंग पर पूरा बनाया, 2-3 गलियाँ रह गया था जो इन अभी सुपरसीड होने की वजह से नहीं हुआ। अब अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले उन गलियों को रोड बनाएंगे। अभी जो हम लोग हटे हैं उस दिन से आज 3-4 महीना हो रहा है, इतना ज़्यादा अनियमितता इस मामले में हुआ कि स्वच्छता 0 हो गया है, सब कूड़े यहाँ से वहाँ फेंके जा रहे हैं। जो हम लोगों ने ट्रक रखा था कि डेली वो उठा करके सामान फेंकेगा, उसको कैंसिल कर दिया गया, सिक्योरिटी को कैंसिल कर दिया गया, वो लोग को हटा दिया गया।
और इस वजह से बड़ी दिक्कत हो गई थी। और अभी तक जो जितना भी आप देखेंगे कि सारे रोड पर कूड़ा पड़े हैं व्यवस्था, तो अब आके सबसे पहला प्राथमिकता हमारा ये होगा कि हम लोग पूरे कॉलोनी को स्वच्छ बनाएंगे, फिर उन लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे उन्हीं लोगों को ला करके दिन रात मेहनत करके सब कॉलोनी को स्वच्छ बनाएंगे। कम हो गए रोड, जो बचे हुए हैं उनको पूरा करेंगे, मतलब प्राथमिकता ये होगी। सर ये तो बात हुई आपकी सोसाइटी की, सोसाइटी में सर आपने आपके यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, सभी प्रतिष्ठित डॉक्टर बोकारो में जिनको भी दिखाना हो वो कोऑपरेटिव ही आते हैं, तो वैसे आम नागरिकों के लिए जो कोऑपरेटिव में आते हैं दिखाने के लिए डॉक्टर्स के लिए, उन लोगों के लिए आप लोगों ने क्या सोचा? नहीं, उन लोगों को हटाना है, वो नाजायज तरीके से यहाँ अस्पताल खोल रखा है। हम लोगों ने बोकारो स्टील प्लांट ने हम लोग को रहने के रेजिडेंशियल का प्लॉट दिया है, लेकिन वो कमर्शियल बना दिए हैं। बोकारो भी बार बार चिट्ठी लिखती है कि यहाँ से सभी प्लॉट से ये हट जाना चाहिए, दुकानें हट जाना चाहिए। हम लोग भी उस नोटिस को देते हैं, लेकिन उतना सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ना हमारे पास पुलिस फोर्स है और ना BSL का उतना कड़ाई है जिससे हमको हटा सके। तो सर अब आप उपाध्यक्ष बने हैं नए, तो किस प्रकार से इसको लेंगे? तो हमारी टीम अगर आएगी तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ जितने भी कमर्शियल यूनिट्स है वो हट जाएँ, और नहीं हटते हैं तो उन पर पेनाल्टी जो अभी लगता है उसको बहुत ज़्यादा कर देंगे। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ नए सोसाइटी के नए उपाध्यक्ष बैजनाथ गुप्ता जी थे, इन्होंने बताया है कि जो पुराने क्षण में होता आया था और जो फैसले सोसाइटी नहीं ले पाती थी वो इस बार अगर इनकी टीम पूरे तरीके से आ जाती है तो सभी फैसलों पर कड़ाई से फैसला लिया जाएगा। कैमरामैन प्रेम के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, डी फोकस चैनल बोकारो।